नमस्कार, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर। हमारा टॉपिक है आज का बाजार मूल्य और सामान मूल्य में अंतर। हम जानते हैं कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। पहला बिंदु है इस कॉलम में बाजार मूल्य और यह है सामान्य मूल्य। तो बाजार मूल्य यह अल्पकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य जो है वो अल्पकालीन होता है, ये अल्पकालीन मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। जबकि सामान्य मूल्य यह दीर्घकालीन मूल्य होता है, दीर्घकालीन मांग और पूर्ति की शक्तियों से जो कीमत का संतुलन स्थापित होता है वो क्या कहलाता है, वो सामान्य मूल्य कहलाता है। दूसरा है यह वास्तविक मूल्य होता है। वास्तविक मूल्य इस वजह से होता है क्योंकि ये वर्तमान मूल्य होता है, और जो सामान्य मूल्य होता है ये निर्धारित व विश्लेषणात्मक मूल्य होता है। अर्थात जो पिछले जो बीत गया है दिन, उसके आधार पर वो एक बिंदु निर्धारित हो जाता है कि बाजार मूल्य क्या था और सामान्य मूल्य क्या है। तो ये तुलनात्मक या विश्लेषणात्मक मूल्य होता है। और तीसरा है यह मूल्य प्रतिक्षण बदलता रहता है। अल्पकालीन मूल्य होने के कारण बाजार मूल्य जो है वो प्रतिक्षण बदलता रहता है। एक बाजार में किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो कुछ समय में जो बदल जाता है वो इस कारण से बदलता है क्योंकि ये अल्पकालीन मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित। और सामान्य मूल्य की क्या विशेषता है कि सामान्य मूल्य जो है वो स्थिर रहता है। दीर्घकालीन मूल्य होता है, दीर्घकालीन मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। चौथा है कि यह मांग पूर्ति के अस्थायी संतुलन के द्वारा स्थापित होता है, जबकि सामान्य मूल्य क्या है, यह मांग और पूर्ति की स्थायी संतुलन के द्वारा स्थापित होता है। और अगला बिंदु है कि इस पर मांग पक्ष का अधिक प्रभाव होता है। अल्पकालीन जो मूल्य है बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य है, और अल्पकाल में हम जानते हैं कि वस्तुओं की जो पूर्ति है वो लोचदार नहीं होती है, प्रायः बेलोचदार होती है, मांग की तुलना में पूर्ति कम होती है। इस कारण से बाजार में पूरा प्रभाव मांग का होता है। यदि मांग पूर्ति से अधिक हो गई तो बाजार मूल्य ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यदि पूर्ति की तुलना में मांग कम है तो बाजार मूल्य कम हो जाएगा। तो बाजार मूल्य पर मांग पक्ष का अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि सामान्य मूल्य पर पूर्ति पक्ष का अधिक प्रभाव होता है। चूंकि दीर्घकालीन मूल्य है और दीर्घकाल में पूर्ति परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो जाती है, इस कारण से सामान्य मूल्य पर पूर्ति पक्ष का अधिक प्रभाव पड़ता है। छठा है यह औसत लागत व्यय के ऊपर या नीचे होने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये जो बाजार मूल्य है वो सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सामान्य मूल्य का निर्धारण औसत लागत व्यय के आधार पर होता है। तो बाजार मूल्य औसत लागत व्यय से कभी ऊपर हो सकता है और कभी ये नीचे भी हो सकता है। अब ये चूंकि अल्पकालीन मूल्य है, अल्पकाल में मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, तो ये कभी हो सकता है कि लागत व्यय के ऊपर भी मिल जाए। अब जब लागत व्यय के ऊपर है तो ये सुपर लाभ प्रदान कर रहा है, और यदि लागत व्यय के नीचे है तो ये उत्पादक को हानि की स्थिति में पहुंचा रहा है। किंतु सामान्य मूल्य क्या है, सामान्य मूल्य औसत लागत मूल्य के बराबर होता है। जो औसत लागत व्यय है उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा। तो इस प्रकार से बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट हो जाता है। और बाजार मूल्य जो है ये अल्पकालीन मूल्य है, और जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य है। थैंक यू।